होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी तुअर की दाल है, मैंने धो के ले ली है, 100 ग्राम से। ये हमारी वेजिटेबल सेंगा फली, कद्दू, आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, बैंगन भी, टमाटर, कांदा, कड़ी पत्ता, धनिया, ये नमक, ये सांभर मसाला, एक मिर्ची, हींग, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, राई। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले दाल को उबालेंगे, गैस ऑन कर देंगे। आप अपने कोई भी पसंद की सब्ज़ी ले सकते हैं, बैंगन वगैरह, गाजर और भी जो आपको पसंद हो उसमें डालिए, बहुत अच्छा सांभर आपका बनेगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको आती रहे और आप हमारा वो इन्जॉय कर सके। देखिए मैंने नमक भी डाल दिया है, अब हम इसे ढककर पकाएंगे। और मैं इसमें टमाटर भी साथ में डाल दे रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। चलिए इसे 4 से 5 सीटी लगाएंगे फटाफट से। ये देखिए हमारी दाल रेडी हो चुकी है, अच्छी तरह से पक चुकी है। चलिए इसे अब हम साइड में रखते हैं और तड़का लगाते हैं फटाफट से। चलिए मैं गैस ऑन कर देती हूँ, कढ़ाई रख दिया है मैंने। अब इसमें तेल डालेंगे 100 ml। यह वेजिटेबल ऑयल। ओके, अब हम सबसे पहले इसमें राई डालेंगे तेल को गर्म करके, और राई हमेशा फूटने तक ही उसे पकाए हाई फ्लेम पे, नहीं तो आपको राई कड़वी लगेगी। देखिए मेरी राई फूट चुकी है, मैं इसमें अनियन डाल रही हूँ। अनियन को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, रेड नहीं करना है, हमें कच्चा पक्का ही रखेंगे। मिर्ची भी डाल दी, अब मैं इसमें कड़ी पत्ते डालूंगी 8 से 10। सभी चीज़ों को भून लूँगी। अब मैं इसमें डालूंगी अपने मसाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट, भून लेंगे इसमें सारे मसाले डाल देंगे। एक से 2 मिनट अच्छे से पकाएंगे, फिर इसमें सब्जी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने थोड़ा सा भून लिया अपनी सब्जी को, अच्छी तरीके से सब कुछ मिक्स हो चुका है। चलिए तो अब हम इसे दाल में डाल देते हैं। सारी सब्जी इसके अंदर डाल देंगे, इसे फिर से 1 सीटी इसमें लगाएंगे। ये देखिए इससे आपकी दाल बहुत ही अच्छी बनेगी।
इस तरीके से सारी सब्ज़ी इसमें अच्छी तरीके से मिला दें और फिर एक सीटी सिर्फ लगानी है, ज़्यादा नहीं, एक सीटी। देखिए धनिया डाल देंगे हम इसे, फिर से बंद करके एक सीटी लगाएंगे इसमें। फटाफट से हमारा सांभर एकदम तैयार खाने के लिए। अब इसे इडली डोसा किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, राइस के साथ। चलिए मैं इसे सर्व कर दे रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।